आइए आप लाइव हो चुके, देखिए पेज पे लाइव हुए, सर वाला पेज खोलिए ना। लाइव है? बोलूं? नमस्कार, कुछ तकनीकी कारणों से हम सबके नेता, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संगठन एवं राज्यसभा में दल के नेता आदरणीय श्री आरसीपी सिंह जी लाइव नहीं हो पाए थे, कुछ तकनीकी बाधा थी, ब्रॉडबैंड से जुड़ी भी कुछ समस्या थी, लेकिन अब बहुत जल्द वो लाइव होंगे गूगल मीट के माध्यम से भी और फेसबुक पेज के माध्यम से भी। आप उनके लाइव को उनके फेसबुक के साथ साथ आप जेडीयू मीडिया सेल और जेडीयू ऑनलाइन के पेज से भी आप देख पाएंगे। आप सबका स्वागत है, सहयोग की अपेक्षा है। अभी 12:47 हो रहे हैं, 1 बजे से आदरणीय आरसीपी सर आप लोगों के बीच होंगे, कृपया अपना साथ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस अपील पे भी लाइक आ रहा है। गाना बजाइए। लाइए तो सर को सुना देते, खुश हो जाएंगे, बहुत परेशान है। लाइए कहाँ? मेरा मोबाइल आप लिए थे राहुल जी? वहाँ है, जाकर लाइए तो।
सर बता वो ये कैसे लाइव होगा ना सब लगा लो कैमरा जितना है लगा लो चेयर दे दो बेचारा जो काम करने वाला दे दो चेयर बाबू जो टेक्नीशियन लोग उसको चेयर दे दो टॉप की अध्यक्षता कर रहे हैं छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भाई श्याम पटेल जी। मैं पुनः अपने अभिभावक राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड के नेता
नेता पार्टी के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव, और सबसे बड़ा गौरव की बात हमारे लिए यह है कि आप IAS रहे, वैसे हमारे माननीय RCP सर साहब, और आपने वैसी सर्विस को त्याग कर आपने सामाजिक जीवन में आना पसंद किया। तो मैं समझता हूँ कि बिहार भर के जो छात्र आज आपको सुनने के लिए बेताब है, उन्हें एक बहुत बड़ा इंस्पायरेशन आपसे मिलता है। जितने भी हमारे छात्र जदयू के जिलाध्यक्ष, विश्वविद्यालयों के जिलाध्यक्ष और छात्र जदयू परिवार के बिहार भर के कार्यकर्ता, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, सबका मैं अभिवादन करता हूँ। मेरी कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी, मौसम भी आप देख रहे हैं खराब चल रहा है, तो हम आपके समक्ष थे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण बीच में जो नहीं थे फिर पुनः आपके समक्ष आ गए। मैंने पहले भी कहा मित्रों, छात्र जीवन एक ऐसा जीवन है जो जब ठान लेता है तो उसे कर गुजरता है, और इसीलिए मैंने कहा था कि मंजिले पर जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते, और तूफानों से जो डरे मंजिले पाया नहीं करते। और मुझे प्रसन्नता है आज छात्र जनता दल यूनाइटेड का जो स्वरूप बिहार में आया है, आप सभी कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं। मनोहर नीतीश कुमार जी ने छात्रों के हित में जितना कार्य किया है, उन कार्यों को आप भली भांति छात्र वर्ग में पहुंचा रहे हैं, और आगे आसन्न चुनाव है और इस पूरे बिहार में हमारा 18 से 25 वर्ष का जो भी छात्र है वह 16% है, तो 16% की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और आप कार्य कर भी रहे हैं, इसलिए मुझे कहने में कोई अतिशक्ति नहीं है। इधर छात्र जदयू ने जो मेहनत किया है और जो प्लेटफॉर्म बनाया है, जो वेदी का निर्माण किया है, वह आपके अथक मेहनत का परिणाम है, और आप सब भाग्यशाली हैं कि आज जब RCP सर ने जब ये कार्यक्रम की संरचना की तो सबसे पहले आपका चयन किया गया कि नहीं हम संबोधित करेंगे, सबसे पहले छात्रों को संबोधित करेंगे। इसलिए आप जान लीजिए कि आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आप अपने अभिभावक को सुनेंगे, जो जो मार्गदर्शन मिलेगा मार्गदर्शन पर आप अमल करेंगे। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर कहा करते हैं कि हमने इतना काम किया है, और उन्होंने 90:10 का रेशियो उन्होंने दिया है कि 90% जो काम हुआ है उसे आप जनता के बीच ले जाओ, और किसी भी करना भी है तो 10% करो, राजनीति में वह भी आवश्यक होता है। इसलिए पुनः आपका अभिवादन करते हुए मैं आग्रह करूंगा अपने अभिभावक RCP सर से, हम लोग चूंकि मैं भी यूनिवर्सिटी में हूँ, आप भी यूनिवर्सिटी में हैं, तो हम लोगों ने नामांकरण कर दिया है, सर को हम लोग अब RCP सर से ही हम लोग बोलेंगे, ये हम लोगों ने नामांकरण कर दिया है, और बड़ा अच्छा भी लगता है। आप भी कहीं क्लास में जाते हैं, मैं भी क्लास लेने जाता हूँ, तो मुझे कोई रंगीन नंदन नहीं कहता, RN सर का क्लास है, तो आप समझिए कि अब RCP सर के क्लास को आज आप सुन रहे हैं, कंटिन्यूटी में आपको RCP सर को आपको अटेंड करना है, और बड़ी
बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको मिलेगी, और आज तक मैंने इनके सानिध्य से जो सीखा है तो हमें गर्व भी होता है। कैंपस में जब हम लोग कहते हैं कि हमारे नेता हमारे मार्गदर्शक IAS पदाधिकारी रहे, साइंस कॉलेज से पढ़े, पटना कॉलेज से पढ़े, और पटना यूनिवर्सिटी में हम लोग भी पढ़े, तो एक गौरव की बात लगती है। और सरस्वती पूजा में जब जाता हूँ अक्सर, तो केविंडिस हॉस्टल जाता हूँ, तो हम लोग अक्सर इनकी चर्चा करते हैं, तो केविंडिस के छात्र, साइंस कॉलेज के छात्र, पटना कॉलेज के छात्र बड़े उत्साहित होते हैं। आज कम से कम हमारे कॉलेज के पढ़े हुए छात्र जो है आज राजनीति में इतने ऊंचे पर है, और आसान बात नहीं है कि IAS की नौकरी को छोड़कर सामाजिक जीवन में आना, और वो भी समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक को दिशा देना, बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इनके स्वस्थ रहने की, प्रार्थना करते हैं, और हर पल हर घंटे हमें मार्गदर्शन मिले, हमेशा प्रार्थना करते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि RCP सर हमारा मार्गदर्शन करें। चलिए, बहुत सबको बहुत बहुत अभिवादन। प्रोफेसर रणवीर नंदन जी, कन्हैया जी, श्याम पटेल जी, अमरदीप जी, सादाब जी, अंकित तिवारी जी, सत्यम जी और हमारे हुलेश मांझी जी, सबसे पहले मैं छात्र जनता दल यू को और शिक्षा प्रकोष्ठ के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम को रखा। खेद है कि तकनीकी कारणों से प्रोग्राम 2 घंटे विलंब हुआ, लेकिन चलिए जब शुरू हो जाए उसी से हम लोग अच्छी बात शुरू करते हैं। प्रारंभ में ही मैं आप सब लोगों को धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि जितने हमारे साथी आज फेसबुक लाइव हैं या और किसी माध्यम से देख रहे होंगे, उन सब लोगों ने अथक परिश्रम किया है पिछले वर्षों में, और इसीलिए हमारा संगठन आज की ताकत, आज की तारीख में बिल्कुल नीच अंतिम स्तर तक पहुंच गया है और मजबूत हो गया है। आप सब यहाँ छात्र हैं और शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा और मैं बताऊंगा भी कि पहले बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति थी, और खास करके उच्च शिक्षा के बारे में मैं बात करूंगा और आज क्या है। लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूं साथियों सबसे पहले कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। बहुत लोग इसी को नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि शिक्षा का मतलब हुआ कि डिग्री ले लीजिए, शिक्षा का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजों को रट रटा लीजिए, परीक्षा में उसको लिख डालिए, डिग्री हासिल कर लीजिए। ये एक है, लेकिन मैं आपको बता दूं आज नहीं, जब से ज्ञान के बारे में और शिक्षा के बारे में दुनिया में रिकॉर्ड है, आप भी बहुत सारे इतिहास के और फिलॉसफी के विद्यार्थी या पॉलिटिकल साइंस के होंगे, आप प्लूटार्क का नाम सुने होंगे। ये 1st century BC का बहुत बड़ा हिस्टोरियन और फिलॉसफर था। उस शिक्षा पर उस समय जो बात कहे थे, आज अगर आप गौर से देखिएगा तो हम सब लोगों को उसको, उस पर सोचना चाहिए, और उस पर अगर आप काम करिएगा तो शिक्षा का जो वास्तविक महत्व है वो समझिएगा। प्लूटार्क ने कहा था कि शिक्षा क्या है, अंग्रेजी में कहा था कि फीलिंग, भरना, फीलिंग ए पेल, मतलब किसी बाल्टी है ना, पेल बाल्टी को कहते हैं पकड़ को, उसको भरना, या शिक्षा लाइटनिंग ऑफ फायर, मतलब उसमें जो है किसी चीज में आग लगाने का मतलब वो नहीं होता, उसमें अग्नि को, मतलब उसमें जो है ऊर्जा को देना। फर्क देखिए, शिक्षा का ये सिर्फ मतलब नहीं है कि हम ढेर सारे तथ्य अपने रट लें, बहुत सारी चीजों को याद कर लें, बल्कि शिक्षा का मतलब ये होता है कि जो आपने अध्ययन किया इसने आपके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा संचारित किया जिससे कि आपका आत्मबल बढ़ा, चीजों को सोचने समझने के बारे में आपकी क्षमता बढ़ी। ये शिक्षा का मतलब है।
बहुत लोग जानते हैं, डिबेट चलता है, आप लोग भी डिबेट देखते होंगे, नेचर और दूसरा नर्चर, ये सुनना बहुत जरूरी है। नेचर, लोग बोलेगा अरे छोड़ दीजिए साहब, जो इसमें ग्रो करना है कर जाएगा, और दूसरा होता है नर्चर, जिसको क्या होता है कि नहीं इसको ठीक से हमको देखभाल करना। तो शिक्षा में अगर आप देखिए, उसमें भी नेचर और नर्चर का है। ये भी उस समय में ग्रीस में क्या होता था, बड़ी इस पर रिसर्च चलता था, बहुत डिबेट चलता था कि बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाए, उनके माइंड को ट्रेन किया जाए कि वैसे ही छोड़ दिया जाए। और उस पर बड़ा फेमस उसी के समय का प्लूटार्क के समय में बड़ा फेमस ट्रेनिंग का चला था। क्या हुआ था, उसने कुछ नहीं किया, आप जानते हैं क्या किया उसने, उसने सिर्फ दो जो कुत्ते थे उनको लाया और एक को जो है उसने ट्रेन किया 6 महीने तक और दूसरे को छोड़ दिया। आप देखिए, जब उसने लाया सबके सामने बताने के लिए कि भाई माइंड को ट्रेन करना कितना जरूरी है या माइंड को ऐसे ही छोड़ देना, ये दोनों में कितना फर्क है, जब उस सबके सामने वहां के उस समय जो जानते हैं ना ग्रीस में उसमें डेमोक्रेसी थी, तो उस समय जो सीनेट जिसको आप कहिए उसमें जब लाया तो लोग हंसने लगे कि दो कुत्ते के बच्चे को ले आए। तो उसने जो सीनेटर था उसने दिखाया, क्या किया उसने, क्या किया कि एक वो ले आया था खरगोश जिंदा उसको रखा और एक जो है खूब बढ़िया खाना बहुत अच्छा अच्छा खाना लाया। अब जरा गौर से सुनिए, जो कुत्ता को छोड़ दिया था पैंपर्ड था, उसको किसी प्रकार का प्रशिक्षण माइंड को नहीं दिया था, वो क्या किया, वो देखा इतना बढ़िया खाना है वो तुरंत उस पर चला गया, जो कि उसका नेचुरल ट्रेट नहीं है। लेकिन अगर आपने नर्चर किया दूसरे को, जब गया तो क्या किया, वो खरगोश के पीछे भागा। मैंने जानबूझ करके इस चीज को कहा कि देखिए ये जो है शिक्षा बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि अरे साहब नहीं पढ़े तो क्या होगा, हमारे पास बहुत अनुभव है, हो सकता अनुभव, लेकिन जब आप अध्ययन करते हैं तो जो ज्ञान आप हासिल करते हैं इसमें आपका पूरा का पूरा जो व्यक्तित्व का विकास होता है ये बहुत उसमें रखता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा साथियों आप सब लोगों से कि शिक्षा के महत्व को न सिर्फ समझना है, खुद पर भी लागू करना है और सब लोगों को समझाइए। महत्व क्या समझना है, पढ़ने की। आज क्या होता है, आज हमारे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ने के लिए क्या पढ़ लेते हैं, गेस बुक, गेस पेपर पढ़ेंगे, जो सबसे उस तरह किताब उसको पढ़ेंगे जो पहले टेक्स्ट बुक कहते थे और जिसको क्लासिक्स कहते थे, आज लोग पढ़ते ही नहीं है। रिजल्ट क्या होता है कि आप में जो ज्ञान का, जो समझदारी का जो स्तर होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो बार बार मैं प्रशिक्षण में भी अपने सभी साथियों को कहता हूं, आप तो सब छात्र हैं और शिक्षा से जुड़े लोग हैं, तो आपका दायित्व और बढ़ जाता है कि आप बराबर अध्ययन करते रहिए। और जब अध्ययन करते रहिएगा तो ना सिर्फ चीजों के बारे में अपडेट रहिएगा बल्कि आपका दिमाग भी जो है वो हमेशा खुला रहेगा। और शिक्षा में जरूरी है कि किसी चीज को भी खुले नजरिए से देखिए। तो मैंने सोचा कि शुरू में इससे अनुरोध कर लूं और मेरा ये अनुरोध होगा सब साथियों से कि रोज आप लोग कुछ ना कुछ अच्छी किताबें जरूर पढ़ें, क्लासिक पढ़िए, पढ़िएगा तब उसमें देखिएगा कि क्या है। जैसे देखिए बहुत सारे यहां लोग बैठे होंगे, सब लोग किंग लियर का सुने होंगे नाम, जो पढ़े होंगे, पढ़े होंगे, आप जरा सोचिए कि उसने क्या किया। अगर किंग लियर को पढ़िएगा पूरा का पूरा तो क्या किया उसने, 3 बेटियां हैं, कह रहा बताओ भाई कि हमको कौन कितना मानती है, 2 बेटी उसकी पूरी की पूरी चमचा कर डाली कि ये मानते हैं वो मानते हैं, और 1 बेटी जो रियली मानती थी वो कही कि जे पिता को एक पुत्री को जितना मानना चाहिए उतना ही हम मानते हैं। उस समय क्या हुआ, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, उस समय उसको लगा किंग लियर को कि ये 2 बेटियां जो हमारी बड़ी तारीफ सामने कर रही है यही हमारी शुभचिंतक है, यही हमारे देखभाल करेगी। और जो बेटी बिल्कुल स्वाभाविक बात कर रही थी कि जो पिता पुत्री का संबंध उतना ही मैं मानता हूं, उसको प्रॉपर्टी नहीं दिया। रिजल्ट क्या हुआ,
जिस बेटी को नहीं दिया संपत्ति वो चली गई, और जिसको दिया वो कुछ दिन में ही उसको इस तरह से तबाह किए कि उसको समझ में आ गया कि कौन बेटी ठीक थी। तो मैं बार बार जो बोलता हूं कि बहुत साथी लोग समाज में सब जगह क्या देखते हैं, गणेश परिक्रमा में लगे रहते हैं, कैसे किसी को खुश किया जाए, कैसे किसी को महिमा मंडित किया जाए, उस पर ध्यान नहीं देना साथी। करना क्या है, जो हमारा कर्तव्य है, जो आपका कर्तव्य है, उसको हम लोगों को बखूबी करना है, जिससे कि जो सही चीज है वो सही आए। तो अगर आप क्लासिक्स को पढ़िएगा ये चीज को जानिएगा, नहीं पढ़िएगा तो कहां जानिएगा इस चीजों को। इसलिए इस चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब जरा पाइए, आजकल आप लोग सब लोग, अब तो चलिए जो कोरोना का समय चल रहा है उस पर हम आएंगे आगे, सबकी रुचि कहां रहती है कि आईपीएल का मैच कहां होने वाला है, खास करके हमारे छात्र युवा इसमें रहते हैं कि होगा कि नहीं होगा। क्यों, जो ये आप बोलते हैं कि 20 ओवर में ही फैसला हो जाना है। अब देखिए क्या समय था, पहले 5-5 दिन का टेस्ट लोग देखते थे, वो ड्रॉ हो जाता था, उसके बाद आप जानते हैं 60 ओवर का मैच आया, 50 ओवर का मैच आया, अब आप देखिए 20 ओवर का मैच आया। मैं चर्चा काहे के लिए कर रहा हूं, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, ये जो 20 है ना, ये 20 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथी। इसको मैं आपके सामने कुछ साथियों के साथ पहले भी रखा था, आज मैं रखना चाहता हूं। हमेशा ध्यान में रखिए, अपने लिए भी, जितने हम लोग सब यहां हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए भी 20 और 80 का रिश्ता है। आप सब जानते हैं, पढ़े भी होंगे, पढ़ाया भी गया होगा, हमारा पूरा का पूरा जो ब्लड सिस्टम है, हमारा पूरा का पूरा जो खून है, उसमें क्या है, 80% अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। मतलब क्या हुआ कि हमको भोजन कौन करना चाहिए, भोजन वो करना चाहिए जो कि अल्कलाइन ज्यादा हो, एसिडिक कम हो। मतलब क्या ध्यान रखना है कि 20 ओवर का मैच तो याद रखें, लेकिन यहां भी याद रखिए कि जो भी जिससे भी एसिडिक चीज होता है, जो अम्लीय होता है, उसको 20% खाना है, 80% जो है क्षारीय चीज उसको खाइएगा, आपका सिस्टम सब ठीक है। इसी को आगे लेकर के चलिए, आपको लगता होगा मेरे पास घंटा समय है पढ़ने का, है, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि आपकी बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, वहां भी 80-20 का हिसाब होता है। आप कहिएगा सर मेरे पास पूरा परिवार की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है, संगठन की जिम्मेवारी है, लेकिन साथियों यहां भी मैं चाहूंगा कि यहां भी आप 20 ओवर को याद रखिएगा। 20 ओवर क्या है, अपने लिए, आपका अपना सेल्फ, उसका ग्रोथ कैसे, आपका अपना सेल्फ और भी जिस लेवल पर आप हैं उससे ऊपर जा रहे हैं, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप पूरा पूरा 100% अगर दूसरे पर ही लगा दिए तो एक समय ऐसा आएगा कि अपने ऊपर आपको पछतावा होने लगा कि हमने अपने ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया। इसलिए साहब सेल्फ के भी, सेल्फ का मतलब मैं उस सेल्फ इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं इसकी बात कर रहा हूं जिसे आपका जो पूरा व्यक्तित्व है, आपका अपना जो है, उसमें कितना एडअप हो रहा है, इसको भी जोड़ना जरूरी है साथी। और 80% तो करते रहिए, दिन भर करते रहते हो आप, संगठन का काम करते हैं करते रहिए, पार्टी का काम करते हैं करते रहिए, परिवार का काम करते हैं करते रहिए, लेकिन अपने लिए भी 20% समय जरूर रखिए। और अंतिम 20 किस चीज की याद मैं कराता हूं, जो कई बार मैंने बोला है कि सब जगह वाइटल फ्यू होता है और ट्रिवियल मेनी होता है। मतलब 20 होता है जो वाइटल है, 80 जो होता है ट्रिवियल होता है। आप किसी चीज में देख लीजिए, किसी भी संगठन में देखिएगा, अगर 20 साथी आपके साथ हैं तो 4 बहुत ही बढ़िया काम करने वाला है, 4 जो होगा वो किसी तरह चल रहा होगा, अब बाकी लोग फेंस पर बैठे होंगे, तो आपको लगा कि नहीं हम तो जो फेंस पर बैठा हुआ है उसी को सुधार करें, तो ये 4 भी बेचारा गड़बड़ा जाता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, संगठन में या कहीं भी, आप तो पूरा का पूरा परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप जानते ना कि 20% बढ़िया सब्जेक्ट को पढ़ लीजिएगा तो 80% चांसेस है कवर करने का आपको उसके सिलेबस को। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी संगठन में नहीं होगी। कहने का मेरा मतलब है कि जो साथी आपके संगठन में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा योगदान कर रहे हैं, तो मेरे सभी साथियों से अनुरोध होगा कि उनको तवज्जो दिया जाए। आप ये मत सोच लीजिए कि जो कुछ नहीं करता उसमें अगर हम लगेंगे, उसमें लगिए, लेकिन उसमें समय सिर्फ और सिर्फ उनके लिए 20% दीजिए, 80% आप इसी को दीजिए और यही 20 आपको 80 कर देगा। तो मैंने इसी संदर्भ में इस बात को रखा है कि चाहे अपना व्यक्ति का हो, स्वास्थ्य का हो या संगठन का हो, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा,
कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको अपने आप जरूर करिए। और एक बात जो कह रहे थे रणवीर नंदन जी, हम आएंगे शिक्षा पर और विस्तार से, ये कह रहे थे कि हम लोगों को अपनी बात को कहना है। ये देखिए दो चीज का ध्यान में रखिएगा, एक होता है रेस्पॉन्स और एक होता है रिएक्ट। अगर किसी ने कुछ बोला, आपने तुरंत बोला उसका, वो होता है रिएक्शन, रिएक्ट करना। हमको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि रिएक्ट जो होता है ना, रिएक्शन जो होता है वो निगेटिव कनोटेशन है, और जो आप जो है रेस्पॉन्स करते हैं ये पॉजिटिव है, प्रोएक्टिव है। तो आपके पास जितनी चीजें हैं इतनी पॉजिटिव चीजें हैं कि हमको क्या जरूरत है, हमको अपनी बात को कहना है। कहते ना रणवीर जी बता रहे थे ना कि हमारे नेता नीतीश बाबू क्या कहते हैं कि 90% अपनी बात कहो और 10% दूसरे का जवाब दो। मैं तो ये कहूंगा कि अगर मौका मिले तो इस 90 को बढ़ाते चलिए, क्योंकि आपके पास इतना है कि हम दूसरे का क्यों नाम लें। और शिक्षा में अगर आप आइए, आप शुरू ही करो, जो हमारा पूरा का पूरा उच्च शिक्षा है, जो साथी हैं दूसरे साइड में उनसे पूछिए एक सवाल कि बताइए साहब आपके समय में 15 वर्षों में शिक्षा का कितना बजट था, पूछिए सवाल। कुछ वो बोले उसका जवाब की जगह ये पहले पूछिए कि बताओ कितना बजट था। तो मैं साथी लोग आपको बता देता हूं, पूरा का पूरा उनका जो बजट था ना, उस अगर 15 साल का देखिएगा, उस 15 साल में क्या 10 साल तक 1990 से 2000 तक झारखंड भी था, याद करिएगा हमेशा। उनके 15 साल में वो झारखंड भी 10 साल है और 5 ही साल सिर्फ बिहार था। तो उसमें पूरे के पूरे उसमें खर्चा क्या क्या इतना 35,000 करोड़, शिक्षा का पूरा खर्चा 35,000 करोड़, और नीतीश बाबू का बजट इस बार का देख लो बाबू 35,191 करोड़, 15 साल बनाम 1 साल। डिबेट इस पर होना है ना, जब आप संसाधन ही नहीं दोगे तो कैसे विकास होगा। और अगर कुछ साथी जो समझते होंगे, एक होता है डेवलपमेंट पे, एक होता है उसका एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको हम लोग कहते हैं जो डेवलपमेंट के लिए करता है, उसको प्लान एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट नहीं प्लान एक्सपेंडिचर। तो एक फिगर याद रखिए कि उनके 10 वर्षों में 15 वर्षों में साथियों उनका पूरा का पूरा जो प्लान का बजट था 35,000 करोड़ वो भी था। और हमारा अगर आप देख लीजिए तो 1 साल का ही, अगर इसी साल का आप देख लीजिएगा, 1,00,000 करोड़ से ज्यादा है, कोई मुकाबला है क्या। तो इसको मजबूती से रखना है, जहां भी जाइए उसी शुरू करिए कि सबसे पहले जब बजट रहेगा तब तो तभी शिक्षा का के बारे में सोचा जाएगा। तो ये तो मैंने बजट के बारे में बात किया, आप ऐसे भी देख लीजिए तो बजट का साइज देखिए पूरे, क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी सब लोग हैं, उनका पूरा बजट जोड़ लीजिए 15 साल का, जिसमें मैंने बताया ना 10 साल झारखंड भी शामिल है, वो कितना आता है 2,15,000 करोड़ आता है मात्र। और हमारा इस साल का बजट 2,11,761 करोड़ है, मतलब करीब करीब मैच करता है। ये इसको बताइएगा लोगों को, तब उनको लगेगा ना कि हाँ भाई बात तो सही कर। आप जरा आ जाइए शिक्षा में, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आप आइए, हम सड़क की बात नहीं कर रहे हैं, बिजली की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप पूछिए इनसे हाई एजुकेशन में चलिए, क्या इनके समय में कोई भी बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय था, सीधा सवाल पूछिए कि 15 साल में बता दो एक भी अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवाया बिहार में, 0 बटा 0 है। अपने यहां 2-2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप जानते हैं गया में एक मोतिहारी में, उतना ही नहीं आप जरा जान लीजिए कि एग्रीकल्चर का सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सबौर हमारा जो था, आप आ जाइए IIT NIT NIFT, ये सारे क्या हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात बोल रहा हूं, जब कुछ नहीं था यहां, ये सब आ गए
आप जरा आइए, राज्य सरकार का देख लीजिए, इनके पूरे 15 साल में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी बनाए, और यहां देख लीजिए एक स्ट्रोक में 3 यूनिवर्सिटी बन गया। अभी आपके पाटलिपुत्रा बन गया, मुंगेर बन गया, पूर्णिया बन गया। एक हमारा जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया तो राज्य सरकार ने अपना एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बना लिया, राज्य सरकार ने अपना एक पशुधन एनिमल हस्बेंड्री का यूनिवर्सिटी बना लिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप जान रहे हैं आर्यभट्ट के नाम पर एक पूरा का पूरा नॉलेज विश्वविद्यालय बनाया। ये सारा का सारा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा सब हायर एजुकेशन में सब आया ना, और जब ये यहां आया है तो निश्चित रूप से यहां जो शिक्षण संस्थाएं अच्छी खुल रही है, उसमें पढ़ाई अच्छी हो रही है, और हमारे बच्चों को जो हर एक चीजों के लिए बाहर जाना पड़ता था वो अब नहीं जाना पड़ेगा। आप जरा पूछिए इनसे कि 15 साल में बता दो एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, कहीं नाम बताओ कहां खोला है। और यहां हमारे नेता ने क्या किया, हर एक जिले में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। ये साधारण बात है, हम प्राइवेट कॉलेज की बात ही नहीं कर रहे अभी, हम तो सिर्फ आपको बात कर रहे हैं सरकारी की। आपको याद होगा जब बिहार का बंटवारा हुआ था BIT मिश्रा एक बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन था, बहुत लोग चाहते थे कि उनके बच्चे वहां पढ़े, हमारे नेता ने बिल्कुल आगे बढ़कर करके उसका एक शाखा को यहां खुलवा लिया शुरू में ही। और आज देखिए वहां के बच्चे सब आ रहे हैं। इनसे पूछिए कि बिहार में एक भी मेडिकल कॉलेज खोला 15 साल में, बता दो कहां खोला, कहीं एक मेडिकल कॉलेज बता दो। और यहां मेडिकल कॉलेज गिनाते चलिए, उनको मेडिकल कॉलेज गिनाते चलिए कितने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, 20 से ऊपर हो जाएंगे। ये है, ऐसा नहीं कि बिहार में बीमारियां बढ़ गई, बल्कि यहां की सोच हमारे नेता ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। पूछिए पहले कितने पॉलिटेक्निक थे, गिने चुने, और आज देखिए हर एक जिले में एक एक पॉलिटेक्निक। आप जानते हैं महिलाओं के लिए कोई ITI नहीं होता था, हर एक जिले में ITI खुल रहे महिलाओं के लिए। ITI तो सोच लीजिए, जिला को तो छोड़ दीजिए, अब सब डिवीजन पर भी एक एक ITI खुल रहा है, ये सरकारी में, प्राइवेट में तो अलग खुल रहा है। आप सोचिए सब डिवीजन लेवल पर पहले कोई ANM का स्कूल नहीं होता था, हमारी बच्चियां बाहर पढ़ने जाती थी, आज हर एक जो हमारा सब डिवीजन है उसमें जो है हमारा नर्सिंग का स्कूल खुल रहा है। पहले आप जानते थे जितने अस्पताल थे हमारी सभी नर्सें ज्यादातर साउथ केरला से आती थी, और आज आप बिहार तो है ही, अगर आप दिल्ली जाइएगा साउथ में जाइएगा वहां भी बिहार की नर्सें आपको मिलेगी। ये GNM इंस्टीट्यूट होते हैं जहां ग्रेड ए नर्स की होती है, वो तो था ही बहुत कम, वो भी सब जगह खुल रहा है। तो अगर आप देखिएगा कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस जिसके बारे में लोग परिकल्पना कर सकते हैं वो सब हमारे नेता ने यहां न सिर्फ घोषणा किया बल्कि उसको सबको स्थापित करके दिखा दिया। तो साथियों इसको बोलना है, इसको बोलना पड़ेगा। आप जरा बता दिए हमारे नेता का क्या संकल्प है कि जितने सब डिविजन है बिहार में 101 सब डिविजन है, सब में कम से कम एक एक डिग्री कॉलेज खुल जाए। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, जितने हमारे पंचायत हैं 8386 पंचायत हैं, सब में एक एक हाई स्कूल, हम हाई स्कूल से ऊपर ही जा रहे हैं इस पर। तो ये समझ लीजिए कि किस प्रकार का एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे नेता के नेतृत्व में बिहार में कायम हुआ है। और इस सब का अगर आप देखिएगा तो क्या रिजल्ट आगे चल करके होगा, रिजल्ट ये होगा कि हमारे बच्चों को ना सिर्फ यहां अच्छी शिक्षा मिलेगी बल्कि गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा मिलेगी, और हमारे गरीब बच्चे भी जिनकी आमदनी कम है, जिनके परिवार पढ़ाने में सक्षम नहीं है, वो भी शिक्षा ग्रहण करें। इसके लिए हमारे नेता ने कितनी अच्छी व्यवस्था किया है, भाई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो है, तरह तरह के वजीफे बताइए। अगर हमारी बेटी को आज BA पास करती है 25,000 रुपया मिलता है, हम तो आपके सामने खड़े हैं ना, तीसरे क्लास से लेकर के MA तक हमको स्कॉलरशिप मिलता था, लेकिन मिलता कितना था,
तीसरा क्लास में 3 रुपया महीना, पांचवा क्लास में 5 रुपया महीना, सातवा क्लास में 10 रुपया महीना, और जब हम लोग आए थे इंटर में उसके बाद से 125 रुपया का महीना जोड़ लीजिए, और एक मुफ्त आज हमारी बच्ची कोई करती है तो 25,000 रुपया मिलता है। जितने हमारे बच्चे पास करते हैं सबके लिए व्यवस्था है। तो देखिए आपके पास एक नेतृत्व है, आपके नेता है जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा के क्षेत्र में इतना बढ़िया बना दिया। आप जरा बता दीजिए पहले कितने बीएड कॉलेज थे बिहार में, कहां कहां लोग पढ़ता था, वहां यूपी में रहता था वहां पता करता था कि साहब वहां लोग बीएड करने गए हुए, और आज सब जगह। तो ये इतनी संस्थाएं प्राइवेट में भी खुल रहे, पहले बिहार में कोई यूनिवर्सिटी थी प्राइवेट, एक भी नहीं थी, आज आप देखिए एक नहीं 7-7 प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है। तो लोग आएंगे तो उससे हमारे शिक्षा का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा, तो फायदा किसको होगा, फायदा होगा हमारे लोगों, अब क्यों नहीं होना चाहिए। आखिर ये बिहार क्या है, बिहार ज्ञान की धरती है, ज्ञान का केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे नेता ने फिर से पुनर्स्थापित किया, आप सब जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को क्या स्तर था, आज हम बिहारियों को लोग क्या कहता है, हम लोग कहता है माइग्रेंट, प्रवासी बोलता है। पूछिए जब किसी को बैठने का शऊर नहीं था उसमें बिहार में इस प्रकार की यहां पर चेतना थी, हमारा इतना अच्छा सिस्टम था कि हमारे यहां विदेशों से नालंदा में पढ़ने लोग आते थे, ज्ञान का केंद्र था। हमारे जो नालंदा विश्वविद्यालय में जो हमारे गेट पर आते थे उनका बौद्धिक स्तर इतना होता था कि जिसको आज आप लोग बोलते ना कहीं प्री क्वालिफाइंग टेस्ट वही ले लेता था। तो हमारे पास चीजें रही है, हम लोग ऐसे वैसे नहीं रहे, ज्ञान। आप जरा बताइए आर्यभट्ट कहां के थे, पतंजलि जी कहां के थे, जितने का नाम लीजिए सब कहां के थे, सब यहीं के थे। तो हम लोग सब लोगों को देखिए हमको अभिमान कहीं नहीं करना है, लेकिन निश्चित रूप से स्वाभिमान, हमको स्वाभिमानी होना है कि हम थे एक समय में दुनिया में नंबर 1 पर, और फिर हम में इतनी ताकत है हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि हम फिर से दुनिया में नंबर 1 हो सकते हैं। और यह कब होता है, जब आपका अपना मनोबल, आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और मैंने जिन चीजों की चर्चा की थी अगर इस पर गौर करिएगा और इसमें अगर आप लगिएगा और इन बातों को लोगों के बीच में रखिएगा तो निश्चित रूप से आपका भी आत्मबल बढ़ेगा। तो साथियों इसको हम लोगों को बढ़ाना है और लोगों के बीच डिबेट में जाना है और बताना है कि कैसा बिहार चाहिए, ज्ञान का बिहार चाहिए या अंधकार का बिहार चाहिए, कैसा बिहार चाहिए जहां की अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशंस हो, अच्छे अच्छे वहां पढ़ाने वाले हो और हमारे बच्चों को यहां क्वालिटी शिक्षा मिले, या कैसा चाहिए उनसे पूछिए जनाब आपके कार्यकाल में हुआ क्या। शिक्षा में याद रखिएगा साथियों 113 चरवाहा विद्यालय खुलवाए थे, फिगर लिख लीजिएगा 113, उसमें भी नियत ठीक नहीं था। देखिए कंसेप्ट कितना है कि भाई जो जहां काम कर रहा है वही पढ़ेगा, क्या किया 113 विद्यालय खोलने के लिए चरवाहा 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया, बजट सिर्फ 1 करोड़, मनसा ठीक नहीं तो चरवाहा विद्यालय भी स्थापित नहीं हो सका। तो हमारे नेता ने जो काम किया है वो सामने है, आप जाके देखिए साहब पटना में आप आइए, क्या म्यूजियम है हमारा, जो बिहार म्यूजियम बना है क्या है वो, आपको जानकर के प्रसन्नता होगी। आप जानते हैं मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूं, मुझे बताया गया वहां के लड़कों द्वारा कि यहां एक एस्थेटिक सेंटर बनाया गया है, उन बच्चों को इस म्यूजियम में अटैच किया गया कि जाके देखो किस प्रकार बिहार में उस समय सब चीजों के बारे में जिसको हम कल्चर आज कहते हैं वो सब था। लेकिन हमारे नेता ने ये बनाया है कि नहीं बनाया है। और एक बात जान लीजिए, एक आप सुने होंगे नाम, सब पढ़े लिखे साथी हमारे हैं अब्राहम लिंकन का, एक बात कहते थे और मैं कहता हूं आप याद रखिएगा,
वो कहते थे कि जितना पीछे आप मुड़ के देखोगे, समझिए साथी, जितना पीछे मुड़ करके देखोगे उतने आगे आप सोच करके देखोगे भी, करोगे भी। तो यहां देखना है कि बिहार में क्या किया पहले के 15-20 सालों में, बिल्कुल कुछ नहीं। वो मुड़ के देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनकी उम्र 20 साल 25 साल 26 साल होगी, और 2005 में जब सरकार बनी थी तो उम्र कितनी होगी, 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल। आपको लगता होगा ऐसे ही बिहार पहले भी था, ऐसी संस्थाएं पहले भी थी, ये नहीं था। इसलिए उसको देखना बहुत जरूरी है, और जब उसको देख लीजिएगा तब आपको लगेगा कि नहीं, अब हमारे यहां व्यवस्था है और आगे चल करके इस व्यवस्था को और ठीक करना है। हम समझते हैं कि इससे आप सहमत होंगे। इसलिए साथियों, अपने मन में इन बातों को रख कर करके सबके सामने इन बातों को रखना पड़ेगा, और जब रखिएगा तो आपको तो अच्छा लगेगा ही, सब लोगों को भी अच्छा लगेगा। और हम लोगों का क्या संकल्प है, हमारे नेता की क्या सोच है कि बिहार को विकसित प्रदेश बनाना, यही ना है। तो विकसित प्रदेश कैसे बनेगा, विकसित प्रदेश तभी बनेगा जो हमारे यहां संसाधन है। हमारे क्या संसाधन है, हमारा सबसे बड़ा संसाधन यहां मानव संसाधन है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसी को हमको डेवलप करना है। और उसके डेवलपमेंट में हम लोग सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। तो हमारा आप सबसे अनुरोध होगा कि साथियों, आप सब संगठन के साथी हैं, आप अभी से जिन बातों की मैंने चर्चा की इसके बारे में, और भी जब हर एक मंगल को आप चर्चा करेंगे तो इस पर चर्चा आप करिएगा, लेकिन इसको नीचे बताइए लोगों को और अपने संगठन को। आज आपके 477 कॉलेज ऐसा रणवीर नंदन जी हमको बता रहे थे, 10 यूनिवर्सिटी में आपके चुनाव भी होते हैं, तो जहां आज आपके यूनिट है और साथ ही सब लोग आप वोटर हैं। और ये जरा याद रखिएगा जो मैं बार बार कहता हूं, बहुत लोग कहेगा राजनीति बड़ी गंदी चीज है, छात्रों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं कई बार दोहरा चुका हूं, फिर मैं आज कहना चाहूंगा कि देखिए राजनीति, आप सब पढ़े लिखे साथी हैं, क्या पढ़ाया जाता है, स्ट्रगल फॉर पावर है, पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर, आप सब जानते हैं। किसके लिए, सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, क्यों, सत्ता हमको चाहिए, हमारे नेता नीतीश बाबू को चाहिए बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए, दूसरी तरफ जो पार्टी है उसको सत्ता चाहिए अपने अपने परिवार अपने खानदान को विकसित करने के लिए। तो ये आप इस बात को समझिए कि आपको राजनीति में हिस्सा लेना है, मजबूती से हिस्सा लेना है, और तभी जो है बिहार को जब विकसित प्रदेश बनाना है ये कामयाब हो पाएगा। और नहीं तो क्या होगा, फिर से वही, उसको नहीं होने देना है। इसलिए नहीं होने देना है कि आपको पता है कि जब हम एक अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं तो उसमें और हम लोग मजबूती से लग कर करके उसको हम लोग कामयाब करें। लेकिन साथ ही इसलिए जरूरी क्या है कि ना सिर्फ हम प्लान बनाए, ना सिर्फ योजना बनाए, बल्कि उसको हम लोग जमीन पर लागू करें संगठन के मामले में। अब बताइए 477 कॉलेज है, सब जगह हमारा यूनिट होगा, और जितने हमारे साथी हैं सब किसी न किसी बूथ पर है। आप अपने बूथ को मजबूत करिएगा तो ताकत तो बढ़ेगी। लेकिन इसमें भी मैं जरा आपको बताना चाहूंगा, एक हम लोगों को भी पढ़ाया जाता था, आप लोगों को पढ़ाया होगा कि एक बार क्या हुआ, प्रोफेसर पढ़ा रहे थे तो वो जो है बता रहे थे फर्क क्या था, लीडर के बारे में बता रहे थे कि लीडर कौन होता है। तो लीडर में और जितनी भी अच्छाई होती है, एक होता है इफिकेसी, माने उसको एग्जीक्यूशन का पावर होना चाहिए, जो सोचे जो कर उसको लागू कर दे। तो हुआ क्या, बहुत बढ़िया उदाहरण है, सुनिएगा। आप देखते हैं तालाब या नदी के किनारे एक पेड़ टूटा हुआ है, उस पर 6 मेढक बैठा हुआ है, 6 मेढकों ने निर्णय लिया कि 4 हम लोग कूद जाएंगे। तो हम लोगों से सवाल पूछा गया कि 6 मेढकों ने निर्णय लिया कि हम नदी में कूद जाएंगे, तो उस पर कितने मेढक बचे। हम लोग तुरंत बोले 2 बचे साहब।
कि चार्ज कूद ही गया, लेकिन साथियों अभी कूदा नहीं, वो निर्णय हुआ है। ये निर्णय हुआ कि 6 में से 4 जो है वो कूदेगा, अभी एक्सक्यूट नहीं हुआ है। तो हम लोगों को भी, हम लोगों ने जितनी भी योजना बनाई है, हमने जो भी संगठन में काम किया है, उसको एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ कागज में नहीं रखना है हमको, बल्कि उसको देख लेना है कि हमने किसी साथी को किसी विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी दी है, कॉलेज की जिम्मेवारी दी है, बूथ की जिम्मेवारी दी है, उनसे बराबर का रास्ता रखिए और आप बराबर उनसे संपर्क में रहिए कि जो बात कही जा रही है या जो आप कह रहे हो वो लागू हो रहा है कि नहीं। सरकार में उतना ही होता है ना, आप जिससे पूछिएगा कि सर योजना तो बड़ी अच्छी है लेकिन साहब इसका इंप्लीमेंटेशन, इसका एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हो रहा, तो इसमें वही मेढक वाली कहानी याद रखना है। तो हम लोग सब लोगों को इसको मजबूती से लग कर करके संगठन को नीचे स्तर तक मजबूत क्यों बनाना है। ये पूरा का पूरा आप जरा देखिए, आप याद करिए साथियों, 4 साल में ओलंपिक होता है ना, कोई भी खिलाड़ी वर्षों तक मेहनत करता है और वो 4 साल तो बहुत मेहनत करता है, लेकिन जिस दिन उसका मैच है, जिस दिन उसको दौड़ना है ट्रैक पर, वो कितना महत्वपूर्ण होता है दिवस। तो उस दिन उसको क्या याद रखना होता है कि आप जब किसी ट्रैक पर जाते होगे तो एक फिनिशिंग लाइन होता है और उसके बाद फाइनल पॉइंट होता है। सब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, बस 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 बढ़ते चलो, और लास्ट जो होता है जिसको हम लोग विक्ट्री लैप कहते हैं, वो सबसे अंतिम होता है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, 3 महीने के बाद चुनाव आने वाला साथियों, तो हम लोग को पूरी ताकत लगा देनी है कि फिनिशिंग लाइन पर तो पहुंचे ही, और वहां इतने देर दौर से दौड़े कि कोई हमारे आसपास पहुंचे ही नहीं, क्योंकि आपने पूरा का पूरा 5 सालों तक मेहनत किया है, आपके नेता ने 5 सालों तक काम किया। एक बात मैं आपको और समझा दूं, बहुत सारे लोग आपसे डिबेट करेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैं खुल के बोल रहा हूं क्योंकि आप सब छात्र हो, लोग बोलेगा कि सर पहला काल में जितना बढ़िया काम हुआ था उतना नहीं हो रहा है। इसको मैं जरा समझाने की कोशिश करूंगा साथी, इसको समझ जाइएगा तो आप और मजबूती से जवाब दीजिएगा। होता क्या है जरा जान लीजिए, और ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट का, हम नहीं, जितने आपके मैनेजमेंट के बड़े बड़े गुरु होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। आप एस देखते हो ना, एस आर के बाद एस होता है, उसको एस कर्व कहा जाता है। क्या होता है, कोई चेंज करता है। हमारे नेता ने चेंज लाया बिहार में, इसे तो सब संभव है, इसे तो सब सहमत है। तो जब आप चेंज लाने जाते हैं तो चेंज में कम से कम 3-4 स्टेज होते हैं, जरा समझिए इसको। पहला जो स्टेज होता है जहां लोगों में बड़ा उत्साह रहता है, 2005 में जब चुनाव हुआ बिहार के लोगों में बड़ा उत्साह था, उनको था कि हमको परिवर्तन लाना है, उत्साहित है, और हमारे नेता ने यहां की जिम्मेवारी संभाल ली, अब लोगों में एंथुसियाज्म है, उन्होंने काम किया, तो जो भी काम हुआ लोग लगा इतना काम हुआ, कानून का राज हो गया, जहां लोग घर से निकलने में डरते थे अब जा रहे हैं बेखौफ। तो एक आपको सामने दिखा कितना परिवर्तन हुआ, तो वो बहुत तेजी से बढ़ता है। तो आप देखें, एस ऐसे हुआ और फिर ऐसे जाता है, ये अगला 5 साल होता है वो बहुत तेजी चलता है, और तीसरा एस होता है जो फ्लैट होता है। तीसरा टर्म जब आप आते हैं तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, आपको काफी उसमें और ताकत लगानी पड़ती है, और एक एक चीज को संभल करके करना होता है। और यही हमारा आपका और योगदान होता है कि हमारे नेता ने जो काम किया है उसके लिए हम लोगों को रास्ते रास्ते में सब जगह जो है, जिसको हम लोग कहते हैं ना माइल, पत्थर डालने पड़ेंगे कि हमारे नेता ने यह काम किया, हमारे नेता ने यह काम किया, हमारे नेता ने यह काम किया। और जब तीसरा आप कर लेते हैं, अब आगे यहीं से जो चढ़ाई होती है चेंज में, तो चौथा टर्न जो होता है वो जहां पर जाकर के आपको, आप पूरा का पूरा जब लगते हैं तो आपको वहां सफलता मिलेगी, लेकिन जितनी पहले मिलती थी उतनी नहीं, क्योंकि उतना तो कवर्ड है, उससे आगे जाया जाता है। इसलिए साथियों इस बात को ध्यान में रखिए कि हमारे नेता ने, नीतीश बाबू ने
पहले जितना काम किया है उससे भी ज्यादा आज काम करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा है क्या? उनका एकमात्र एजेंडा है बिहार को विकसित प्रदेश बनाना। उनका परिवार कौन है? पूरा का पूरा बिहार उनका परिवार है। तो हम लोगों को मजबूती से इस चीज को ध्यान में रखना। और साथ ही क्या है, जो नेता होता है उसका दायित्व तो रखता है कि जनता के पल्स को ध्यान में रखे, जनता के सुख दुख में रहे। और अभी भी आप देखें, अभी पूरा का पूरा जो कोरोना का माहौल है, हम तो साथियों आपसे दो तीन बात कहना चाहेंगे इसमें। सबसे पहले तो आप लोगों को सबको को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने जितनी भी सावधानी है वो बरता है और इसके चलते सुरक्षित हैं। और हम लोगों को आगे भी इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन हमारे नेता ने देखिए किस प्रकार से हमारे नेता ने काम किया। बहुत लोग क्या बोलते थे पहले कि लोगों को लाने रहे नीतीश बाबू। क्या कानून बना था लॉकडाउन में? उसमें इंटर स्टेट मूवमेंट बैंड, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट बैंड। हमारे नेता तो कानून मानने वाले हैं, कैसे ले आते? और हमारे नेता ने प्रस्ताव रखा, उसके बाद केंद्र सरकार ने बदलाव किए और हमारे नेता ने लाया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि हमारे नेता जो सतर्क है, बिहार में लोगों को सावधान करते रहे, तो बिहार हमारा काफी सुरक्षित रहा। और आपको भी लगता होगा कि हमारे जो बाहर से साथी है, जरा समझिए, जरा बाहर जो हमारे साथी काम करते थे किस प्रकार से उनका उत्पीड़न वहां किया गया। पूरे के पूरे पंजाब का जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है किसने लाया है? हमारे बिहार के लोगों ने लाया। चाहे वो सूरत के जो फैक्ट्री हो, चाहे महाराष्ट्र की फैक्ट्री हो, कौन काम करता? हमारे बिहार के लोग। लेकिन जब उनको मौका लगा तुरंत सबको बाहर कर दिया। हमारे नेता ने सब व्यवस्था कराया। और जरा सोच लिए, सोच कि हर एक के खाते में एक एक हजार रुपया ट्रांसफर कराया। यहां जब लोग आए ट्रेन से, विशेष ट्रेन से, 15,000 से ज्यादा सब जगह उनका सेंटर बनाया गया और एक एक आदमी पर 5,300 रुपया खर्च किया गया। ये हमारे नेता हैं। हमारे नेता की सोच क्या है कि हमारा बिहार का लोग सब तरह से सुरक्षित रहे और उसका मान सम्मान बचा रहे। इसलिए साथियों इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा कि आपका नेतृत्व कौन कर रहा है। आपका नेतृत्व ऐसा आदमी कर रहा है जिसमें क्या चीज है, नेता को कितने गुण होने चाहिए। अभी प्रोफेसर राम बच्चन राय रहते तो आपको 15-16 गुण बता देते। एक जो है वो पूरा का पूरा नट शास्त्र का बताते हैं, लेकिन हम आपको 5 ही बताएंगे। और अपने नेता में जरा उसको देख लीजिएगा और अपने में भी कोशिश करिएगा। सबसे पहले क्या होता है, नेता को करेज होना चाहिए। करेजियस नेता। नीतीश बाबू ने कानून कार्य कैसे स्थापित किया? करेज है उनमें। लेकिन वो कोई कभी भी, एक बार ध्यान में रखिएगा, हमेशा मध्यम मार्गी रहते हैं। बिहार में कानून का राज स्थापित किया बिना गोली चलाए हुए, बिना मानवाधिकार का उल्लंघन किए हुए। ये हमारे नेता की पहचान है, करेज, इंटीग्रिटी। दूसरा क्वालिटी होता है नेता का। हमारे नेता के बारे में कोई बता दे, मैं उनके साथ 22 सालों से 1998 से मैं साथ में हूं। केंद्र में मंत्री रहे, यहां मुख्यमंत्री रहे, बोलने को जितना है बोल दे, लेकिन बता दे कोई उनकी इंटीग्रिटी पर कोई उंगली उठा सकता है? है ही नहीं। तीसरा क्या होता है, जिसको हम लोग रिजिलियंस कहते हैं अंग्रेजी में। आप देखते हैं ना, कोसी का क्या आपदा ही थी, लोग कह रहे साहब खत्म खत्म खत्म, सब बह गया, नीतीश बाबू भी बह जाएंगे। लेकिन हमारे नेता में वो रिजिलियंस है, जहां कहीं भी थोड़ा आगे पीछे होता तुरंत पहुंच जाते। और कोसी में कैसा काम हुआ जी, कोसी के लोग क्या कहते हैं, वो क्विंटलिया बाबा बोलते बोलते कि नहीं बोलते, वो रिजिलियंस है उनमें। अगर वो छोड़ देते कि नहीं साहब सब खत्म हो गया, तो नेता में रिजिलियंस होना चाहिए। उसके बाद जेनरोसिटी। हमारे नेता कितने जेनरस है। और प्रदेशों में चले जाइए, क्या होता है, सरकार आती है तो पीछे विच हंटिंग करती है। कौन पहले की सरकार थी उस पर हमारे नेता ही सब कुछ नहीं। उनका देखिएगा जो उदार है, बिल्कुल पूरे जेनरस है। कहीं भी अपने डीलिंग में किसी भी पार्टी के साथ किसी प्रकार का वो भेदभाव नहीं करते, व्यक्ति के साथ भी नहीं करते हैं, कोई हो। न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, ये उनकी विचारधारा है। हमारा नेता जेनरस भी। और एक अंतिम क्वालिटी, कंसर्न होना चाहिए लीडर में। हमारे नेता कितने कंसर्न रहते हैं,
किसके किसके लिए वो कंसर्न रहते हैं, आप जरा देखिएगा, छोटी छोटी बातों पर उनका ध्यान चला जाता है। किसी भी चीज पर अगर आप देखिएगा उसको बिल्कुल अंदर से देखते हैं। आप जरा सोच लीजिए, ये जल जीवन हरियाली कोई साधारण कार्यक्रम है? ये साधारण कार्यक्रम है? कंसर्न किसके लिए? पूरी की पूरी आने वाली मानव पीढ़ी के लिए, धरती के लिए। और वैसे भी हमारे बिहार के जहां कहीं भी लोग रहते हैं, कहीं भी कोई बात होती है, हमारे नेता उसमें अपना कंसर्न ना सिर्फ दिखाते हैं लेकिन जितना संभव है उससे भी आगे बढ़ करके कहते हैं। उनका कहना क्या है कि कहीं भी अगर आपदा आती है तो हमारी जनता का सबसे बड़ा जो हमारा राजकोष है उसका पहला होता है जो हक होता है, फर्स्ट चार्ज उसका होता है। तो इतना शानदार नेता है जिसके बारे में मैंने कहा करेज भी है, इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट है, हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, सब ऊंचा बिहार से पूछ ले दे देगा। पूरा का पूरा जिसको कहते हैं रिजिलियंट है वो, और जेनरस तो है ही, और सबके बारे में कंसर्न है उनका। किसी समाज को छोड़ा है क्या? ये हमारा हुलेश मांझी यहां बैठे हुए, आप जरा समझ लीजिए, हमारे पार्टी का हमारा अध्यक्ष भी रहा महादलित का, पढ़ने में कितनी दिक्कत होती थी, आज ये देखिए नीतीश बाबू ने किस प्रकार की व्यवस्था की है कि आज हुलेश मांझी न सिर्फ पीएचडी कर लिया बल्कि पटना से पढ़ा भी रहा है। ये सामने है, ऐसे आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे। और हमारे यहां देखिए, हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ किस चीज को जज करते हैं, जो मैंने शुरू में कहा था कि गणेश परिक्रमा को कभी पसंद नहीं करते हैं। पसंद किसको करते हैं? जो काम करता है। आप जितने हमारे छात्र के साथी हैं, शिक्षा के हमारे साथी हैं, आप नोट कर लीजिए, आप काम करेंगे, आप में मेधा है, नीतीश बाबू आपको सम्मानित करेंगे। ये लोकतंत्र की क्या खासियत है ये जरा जान लीजिए। लोकतंत्र की खासियत यही है, आप पढ़े होंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बहुत सारे साथी, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, उसमें सबसे बड़ी बात थी क्या कि लोकतंत्र में जो करियर है वो किसके लिए खुला रहता है? टैलेंट्स के लिए। करियर ओपन टू टैलेंट्स, ये लोकतंत्र की खासियत है। और आज आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा हमारे नेता की क्या सोच है कि समाज का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है उसके साथ भी पूरा का पूरा न्याय हो। और साथियों, हम तो हिस्ट्री के विद्यार्थी भी रहे, आप भी होंगे, सब लोग सुने होंगे नेपोलियन बोनापार्टी का नाम। वो लीडर के बारे में एक बात कहता था, हम लोग कई बार एग्री नहीं करते थे, लेकिन आज मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है वो ठीक कहता था। वो कहता था लीडर क्या होता है, लीडर इज ए डीलर इन होप। समझे, बहुत सिंपल है, इसको याद रखिएगा। तो कहेगा अरे साहब ये तो डीलर हो गए, किस चीज का डीलर है? होप का, उम्मीद का, जो बताता है कि हम ये करेंगे। हमारे नेता ने बिहार के लोगों क्या कहा था कि हमको अगर बागडोर दीजिएगा तो उनको आशा दिलाई थी कि हम कानून का राज स्थापित करेंगे, बिजली पहुंचाएंगे, सड़क खीरेंगे, शिक्षा ठीक करेंगे। किया कि नहीं? पूरा किया। और दूसरे लोग क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डराते हैं, अगर हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा ये कर देंगे। वो लीडर नहीं, वो मिस लीडर होता है। और हमारे नेता है वो लीडर है, जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो कहता था उसी कंटेक्स्ट में उसको काम करते हैं। तो साथियों, हम सब लोग जो हमारा पूरा का पूरा छात्र जनता दल यू है, हमारे जो शिक्षा प्रकोष्ठ के साथी हैं, और शिक्षा प्रकोष्ठ के साथियों से मेरा अलग से अनुरोध होगा, आप लोग ने जीवन भर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे सेवानिवृत्त, चुनाव के समय आपका बहुत बड़ा योगदान होता है, आप गांव में रहते हैं वहां आपकी पहचान है, आप कस्बे में रहते हैं आपकी पहचान है। मेरा सबसे अनुरोध होगा कि जिन बातों को हमने कहा और जो और भी शिक्षा के बारे में तो बहुत बातें की जा सकती है, उन सबको लोगों को तो बताइए ही, साथ साथ अपने आप को मजबूती से पार्टी को जोड़ करके, जो आपके साथ लोग रहते हैं, आपके मोहल्ले में लोग रहते हैं, आपके गांव में लोग रहते हैं, क्योंकि आजकल
पूरा का पूरा कोरोना का समय है, कोई हमारे लोग, हम लोग प्रोग्राम करने मीटिंग नहीं जा सकते कहीं क्षेत्र में, नहीं तो आज तो हम आपके साथ ये थोड़े करते, हम भी फील्ड में गए होते। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा, जितने हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ के साथी हैं, कि जहां आप रहते हैं, जिस बूथ पर रहते हैं, वहां के लोगों से संपर्क स्थापित कर करके उनको कहिए कि नीतीश बाबू ने एक काम किया है और ये काम के बदौलत हमको बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है, उसमें योगदान क्या देना है। तो जब चुनाव हो उसमें नीतीश बाबू का जो भी उम्मीदवार हो उनको आप विजयी बनाए, ये करना पड़ेगा, ये आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, इसमें हिचकिचाना नहीं है, हिचकिचाने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि आप जब गांव में जाएंगे, हम तो गांव में रहते, देखे ना लॉकडाउन में 73 दिन अपने गांव में था, मैं पूछता था लोगों से तरह तरह से कि बताओ भाई सरकार का सब काम बता दिया, अंतिम में जब पूछते थे कि वोट क्या देना है तो कहा नीतीश बाबू के। तो ये चीज को नीचे बताना पड़ेगा, जो कैंपेन होता है ना पूरा का पूरा। और साथियों सोशल मीडिया पर आप लोग जितने प्रभावी और प्रभावी बनिए, उसमें कहीं से भी हम लोगों को किसी भी संगठन से कम नहीं रखना है। और ये जो समय होता है ना, हमने बताया ना कि लोकतंत्र क्या संवाद का होता है, डायलॉग, और डायलॉग हमको किससे स्थापित करना है, सीधे सीधे जनता से। अगर कोई कुछ बोलता है तो अपनी बात को घुमा के रख दीजिए। तो अगर ये संवाद हम लोगों को स्थापित किए रहेंगे तो जो चुनाव होगा, नीतीश बाबू जितना पहले उनको ताकत मिली, जितनी ताकत उनको है, उससे ज्यादा ताकत उनको मिलेगी, आप खुद इस चीज को महसूस करते हैं। तो हमारा आप सबसे अनुरोध होगा कि साथियों, चूंकि आप पार्टी के बहुत मजबूत साथी हैं, आप सब लोग इस बात को समझते हैं कि बिहार का हित कौन साध सकता है, बिहार को ऊंचाइयों पर कौन ले जा सकता है, बिहार जो ज्ञान की धरती रही, बिहार जो सत्ता का केंद्र रहा, ये लोग भूल जाता है। सत्ता का केंद्र 1100-1200 वर्षों तक रहा बिहार, और हमारा पूरा का पूरा आप जानते हैं ना वैशाली, पहला जो है लोग गणतंत्र रिपब्लिक था। तो हम तो सत्ता में भी रहे, और कहां तक सत्ता थी उस समय, पहुंच जाइए कांधार तक, पहुंच जाइए साउथ ईस्ट एशियन कंट्री तक। तो ऐसा नहीं है कि हमारा इतिहास इतना जो रक्षा रहा, कोई चीज का इतिहास उतना बढ़िया रहा है, पूरा का पूरा पुराना जो है मानव सभ्यता का इतिहास किसका है, बिहार का है। आप चले जाइए चिरंद, चले जाइए चेचर, चले जाइए एक से एक मिलेंगे आप। इसलिए हमको जो अपना बिहारी स्मिता है, बिहारीपन है, उसको लोगों ने ललकारा है, चुनौती लेना है साथियों। और जब चुनाव आ रहा है उसमें नीतीश बाबू को इतनी ताकत देनी है कि बिहार को हम लोग ना सिर्फ विकसित प्रदेश बनाएंगे, जैसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय में बाहर से लोग आते थे यहां पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए भी आएंगे, काम करने के लिए भी आएंगे। मैं समझता हूं कि इससे आप सहमत होंगे, और एक बार फिर से मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं अपेक्षा करूंगा, कितना बढ़िया आप लोगों ने रखा है, अंग्रेजी में ट्यूजडे टॉक टीटी, हिंदी में मंगल को करें मंगल की बात, मंगल की बात करना है। और जिस काम को करना है साथियों, उसको स्वेच्छा से करना है, ये जरा समझिए जरूर, दोनों में फर्क है, इसको समझिए। एक होता है कंपल्सन, कि यहां से कहेगा श्याम पटेल, कह रहे भाई जरा ये बना दो, अरे भाई श्याम भैया का फोन आया हुआ है, करना है, अंक तिवारी लगा हुआ है पीछे की, ये करना है, कंपल्सन नहीं, सीधा का सीधा ऑप्शन आपको कि आई कैन डू इट, आपको अपना करना है। और जब आए पूरी की पूरी पार्टी किसकी है जी, ये पार्टी किसकी है, नीतीश बाबू की पार्टी, आरसीपी सिंह की पार्टी है, रणवीर नंदन की पार्टी है, कन्हैया जी की पार्टी है जी, नहीं, हमारे जितने भी हमारे संगठन में, हमारे बिहार में जितने हमारे लाखों हमारे कार्यकर्ता, उनकी पार्टी है, पूरा का पूरा उनका स्टेक है इस पर, और उनके चलते पूरे बिहार का स्टेक है। और इस पर आप चिंता मत करिएगा कि अरे हम तो ये दे रहे हैं, इस पर बड़ा भारी खर्चा हो सकता है,
भाई बताया ना कि खर्चा करना किसका काम है, सरकार का, और सरकार आपके नीतीश बाबू हैं, तो खर्चा कब करेंगे वो जिससे बिहार का और आपका भला। इसमें हिचकिएगा मत, इसको पूरी तरह से आप लोगों को बताइएगा, और ये जो हमारा मंगल का कार्यक्रम होगा इसको सफल बनाइएगा, और इसको हम लोगों को चुनाव तक जिस दिन बटन दब जाए उस दिन तक चलाना है साथियों। और कोई एक बात निगेटिव करे आप उसको 99 बात पॉजिटिव मारिए। मैंने बताया ना उनके खाते में शिक्षा में एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं, एक भी नहीं, और हमने तो पूरा बता दिया। तो चलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कोरोना भी है ये रहेगा जैसा बताया जा रहा है, तो हम लोगों को सावधान भी रहना है, और इतना हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी बातों को सबके बीच में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाएगा साथियों। एक बात और है, क्योंकि आप सब लोग कनेक्टेड हैं, तो अगर किसी साथी को सुझाव या कोई आइडिया अगर देना हो तो हम उसके लिए 10 मिनट का टाइम देते हैं, अगर दीजिएगा तो मैं उसको आपसे सामने जवाब दे दूंगा। तो जिनको जिनको बोलना होगा अगर बताइएगा तो आपको यहां से मौका दिया जाएगा, और फिर हम उस पर, लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि जरा कुछ भी हम लोग पॉजिटिव बातों पर ही करेंगे, उसी पर आने की जरूरत है। सभी छात्र जनता दलियों के साथियों से आग्रह है कि हम लोगों के अभिभावक आदरणीय सीआरसीपी सर के समक्ष अगर आप कुछ अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन एक एक करके रखिएगा। अमित आर्यन जी, अमित आर्यन जी आप अपनी बातों को रखिए। कोई और सुझाव रखना चाहते हैं तो रखिएगा, ये सब बात तो समझ रहे हैं, लेकिन ये जो अभी जो बोलना है ये सुझाव के बारे में बोलना है कि आप कोई ऐसा कोई बात दिमाग में चल रहा हो जो अच्छा हो। आगे और कोई कहना चाहते हैं तो अपनी बातों को रख सकते हैं। विकसित बिहार नीतीश कुमार, ये आप जन जन तक ले जाए। सर ने आज देखिए शुरुआत की है छात्र और शिक्षा। आप बिहार का इतिहास देखे तो 74 का आंदोलन, मैं मानता हूं कि वो एक राजनीतिक मंथन था, समुद्र मंथन की तरह, और उस मंथन से दो धाराएं बही, एक वो धारा जो जंगल राज के तरफ गया और एक जो कि 20 रूपी था, और एक अमृत रूपी धारा जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो 2005 से लेकर 2020 तक बिहार के शिक्षा का जो कायाकल्प किया, आप ये जानते होंगे सर ने पूरी बातें आपके सामने रख दी। 2005 के पहले 20 लाख बच्चे स्कूल के बाहर थे,
और वो मात्र अब 1,00,000 विद्यार्थी जो है मामूली वह स्कूल के बाहर है, और शायद ये कोरोना का समय नहीं होता तो हम लोग उस पर भी आज विजय पाए। ये सारी जो बातें हैं ये आप जन जन तक ले जाए, 2020 है और छात्र और शिक्षा ये दोनों जो है वो सरकार वो समाज के अग्रणी होते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रोफेसर पूर्व विधान पार्षद हम लोग के बड़े भाई रणवीर नंदन जी का, जिन्होंने अपनी बातें को आप तक रखी शिक्षा के क्षेत्र में। अमरदीप जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये जो आपके सामने पूरा सेटअप है इससे जो जुड़े हमारे जितने भी टेक्निकल लोग हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। शुरुआत में थोड़े देर के लिए कोई खास वजह क्या छोटा सा वजह के चलते आपसे हम लोग कनेक्ट समय पर नहीं हो पाए, लेकिन कल से हम लोग का जितने भी कार्यक्रम होगा वो समय के अनुसार ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जदयू, जय नीतीश कुमार, जय बिहार, जय सर, नमस्कार। चलो अब बंद करो। थैंक यू जी।